वालेकुम अस्सलाम। चाहिए थोड़े से, मुझे आपको 5 मिनट चाहिए। जितने भी यूथ मेरे साथ कनेक्टेड है इस टाइम पे और हाल में यूथ, जितनी मेरी बहनें हैं भाई हैं, उनके आपके 5 मिनट चाहिए। मैं 5 मिनट से ज़्यादा बात नहीं करूँगा, इंशाल्लाह कुछ ना कुछ डिलीवर करते जाऊँगा जो मैंने सीखा, जिस पर मैंने अमल किया और जिससे मैंने फ़ायदा लिया और जिससे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे इज़्ज़त बख्शी कि मैं इस टाइम पे 8 कंपनीज को मैनेज कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप सब मेरे साथ हैं? यस सर। मेरी आवाज़ सुनाई दे रही? यस सर। अच्छा, ये 4 चीज़ें मैं यहाँ डिस्कस करके जाऊँगा कि जो मैंने इंटरनेशनल जो अवार्ड मिली बुक्स हैं वहाँ से ली, और उससे भी पहले अगर मैं बात करूँ तो सिरते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुतालिया किया वहाँ से। सबसे पहले तो वहाँ से सीखी, कुरान और हदीस से सीखी, और जितनी भी इंटरनेशनल बुक्स हैं वहाँ से ली और अपने घर से सीखी। वो 4 चीज़ों को एक्सट्रैक्ट किया कि जो हमारी मुश्किलात को आसान करती हैं, हमारे रास्ते हमवार करती हैं, और हम जिस तरफ भी रुख करें कामयाबी सिमट कर आपके पास आ जाती है। ठीक है, 4 ही चीज़ें हैं। आप मेरे साथ हैं ना? नंबर 1 पे देखें, चारों चीज़ें नंबर 1 पे क्या है? अदब है। अभी मेरे दोस्त बड़े डॉक्टर मदा साहब ने बड़ा अच्छा जो है वो बयान किया कि अदब के तीनों में से मोहब्बत के तरीनों में से पहला अदब का तरीना है, भी है। चार कंपोनेंट्स का मजमुआ है, इसको हम नाम दे सकते हैं कामयाबी का फार्मूला। क्या दे सकते हैं? मेरे साथ साथ आप रिपीट करेंगे, एक्टिव रहेंगे इंशाल्लाह। मोहब्बत कामयाबी के फार्मूले में सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो क्या है? अदब है। अब मैं इसकी इम्पोर्टेंस बताऊंगा। सेकेंड पे है ईमानदारी, 2 हो गए। पहले पे क्या है? सेकंड पे क्या है? ईमानदारी, 2 हो गए ना। अब थर्ड पे क्या है? मेहनत है, 3 हो गए। पहले पे क्या है? दूसरे पे क्या है? ईमानदारी। तीसरे पे क्या बताया? मेहनत। और लास्ट पे हमारा हुनर है। अभी 4 कंपोनेंट है जिनका हमने यूज करना है और जिंदगी में कामयाबियां समेटनी है। अब मैं इसकी इम्पोर्टेंस को बताऊंगा। अदब को मैंने दिए 40 नंबर। कितने? 40। ये चीजें कितनी है? 4। 4 है। नंबर 1 पे क्या है? अदब। नंबर कितने हैं इसके? 40। नंबर 2 पे क्या है? ईमानदारी। और ईमानदारी के मार्क्स हैं 30। कितने हो गए? 30-70। 40 और 30 कितने हो गए? 70। अब मेहनत पे आते हैं, मेहनत के मार्क्स हैं 20। अब ये कितने मार्क्स बनते हैं? 90। और हुनर के मार्क्स इसको मैं दे रहा हूँ 10। कितने हो गए? 100। अब हमारी यूथ की प्रॉब्लम क्या है, कहाँ पे हम फंसे हुए हैं? हम हुनर के 10 मार्क्स जो वो भी कंप्लीट नहीं होते, हमारी डिग्रीज, हमारा स्किल, हमारी हर चीज उन 10 नंबर्स के अंदर शामिल है। हमारे वो 10 नंबर्स भी कंप्लीट नहीं है और हम क्या कर रहे हैं, 100 मार्क्स की गेम को विन करना चाहते हैं, और ऐसा पॉसिबल नहीं है कि जो 10 नंबर ही हमारे पूरे नहीं हैं हम उसको लेके 100 नंबरों की गेम विन कर दें। यही हमारा अलमिया है, हमें हर तरफ बेरोजगारी नजर आती है, हमारे काम सीधे नहीं हो पाते, हमें लगता है जिस तरफ को हम नज़र उठाते हैं नाकामी ही नाकामी है, तो वह ऐसा नहीं है। मैं आपको पूरे वसूल के साथ कह रहा हूँ कि जिसको कोई काम नहीं मिले आए हैं मेरे पास 8 कंपनीज लाइन में है और 12 कंपनीज के प्रोजेक्ट में पूरे तैयार पड़े हुए हैं। मेरे पास मिली नहीं, काम के बंदे नहीं मिले मुझे। अदब हमारे अंदर नहीं है, ईमानदारी हमारे अंदर नहीं है, मेहनत हम करना नहीं चाहते, और वो 10 मार्क्स हमारे कंप्लीट नहीं है, किस तरह मुमकिन है कि उसकी बेस पे हम 100 मार्क्स की गेम विन कर जाएंगे? ऐसा कभी नहीं हो सकता। हमें क्या करना है? अभी एक लोकल क्राइटेरिया हमारा जो है पास होने के लिए हमें 33 मार्क्स चाहिए, ऐसा है? अब हमारे पास जैसे पूरी ये हमारे पास ऑप्शन है कि हमने वो मार्क्स कहाँ से उठाने हैं। मैं तो समझता हूँ कि अदब ही उठा लिया जाए तो दुनिया भी बनती है, आखिरत भी बनती है। ठीक है, अब हमें पता है हम ईमानदारी में किस लेवल पे खड़े हैं। वो भाई हम तो
गूगल में आप चेक करें टॉप 100 में भी कहीं नहीं आ रहे, तो हम कहाँ पे जा रहे हैं? हमें अपनो जो अपनी हमें जो साख है हमारी, जो हमारी एसेट्स थे हमारे, हम तो उनको छोड़ के पता नहीं हम कहाँ जा रहे हैं। हम तो वो पंजाबी में नहीं बोलते गुआची गम, ठीक है, इसको पता ही हमें जाना चल रहा है, तो पता ही कितनी है। तो वही पहले अदब सीखें, ईमानदारी सीखें, फिर अपनी मेहनत करें और उम्र का इस्तेमाल करें। मैं देखता हूँ कि आपको कौन सी कामयाबी कब नहीं मिलती। आप सब की समातों का शुक्रिया। मेरा एक छोटा सा मैसेज था जो मैं डिलीवर कर दिया। इंशाल्लाह अंतिम मैसेज पर बुक प्रेजेंट करने वाला कोई खराब वो जल्द